यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं किसानों के 10 दिनों के देशव्यापी हड़ताल का आज आखिरी दिन है। इसी बीच गन्नौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर रोष प्रकट किया है। इसके साथ ही किसानों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इसके साथ ही किसानों ने बताया कि सोमवार को हरिद्वार और 15 जून को कुरुक्षेत्र में भाकियों की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो आपको बता दें, किसानों के हड़ताल का 10वां दिन, लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं टूटी है, जिसके चलते केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया किसानों के द्वारा। और केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया, किसानों की लगातार मांग रही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवा दिया जाए, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप सरकार के ऊपर लगाया है। कहा है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से ढेर सारे वादे किए थे और साथ ही अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी करते हुए नजर आ रही है। और 10 दिन तक किसानों की हड़ताल रही है। 10 दिन तक कई तरह से विरोध प्रदर्शन किसानों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ किया है। हैरानी की बात है, उसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं टूटी और अब आगे की रणनीति तय किए जाने की किसान सोच रहे हैं। और आपको बता दें, किसानों की हड़ताल का आखिरी दिन था, जिसके बाद किसान जो हैं, जितने भी किसान हैं, उन्होंने 15 जून तक अगली रणनीति तैयार करने की सोची है।